हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11th पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन। एशिया कॉन्टिनेंट के दो कंट्री जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह डेवलप हुए, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। उनमें से कौन है, हमने उसके बारे में, जापान के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं कि चाइना ने अपना डेवलपमेंट कैसे किया। जापान एक डेवलप कंट्री बना, नो डाउट। उसने अपना कॉन्टैक्ट, उसने अपना कनेक्शन, उसने अपना रिलेशन ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रखा, यानी वहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि वेस्टर्न कंट्री के साथ कनेक्ट रह करके अपने आप को डेवलप किया है जापान ने। यहाँ हम आज चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना आज एक एशिया कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही मजबूत पावरफुल कंट्री कैसे बना है, हम उस टाइम की हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ेंगे। चाइना के अंदर हम यदि समझें तो चाइना के अंदर मेन तीन ग्रुप मेन है। एक जो चाइना को आगे ले जाने वाला है वो कौन है, सोशल रिफॉर्मर। और सोशल रिफॉर्मर में सबसे मेन कौन है, लियांग किचाऊ। लियांग किचाऊ चाहता है कि यहाँ के ट्रेडिशनल वैल्यूज को जो आगे लाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर है, इसके साथ कौन, यहाँ पर एक सुन याचेन जो चाइना को रिपब्लिक बनाना चाहता है, यानी हम सुन याचेन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पार्टी एनपीपी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा कौन है, तीसरा यहाँ की है सीपीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो इन इक्वलिटीज को ख़त्म करना चाहती हैं। इसके साथ साथ फॉरेन कंट्रीज के लोग जहाँ बैठे हैं उनको निकालना ये चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चाइना के बारे में जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि 16th-17th सेंचुरी के अंदर चाइना के अंदर मिशनरीज ने आना शुरू कर दिया। और वो मिशनरीज जो पहले तो चाइना ने उनको हल्के में लिया, लेकिन बाद में रिजल्ट सामने क्या निकल के आए कि चाइना के जो है टुकड़े टुकड़े इन यूरोपियन कंट्री ने कर दिए। चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी का रूल था 1839 में, और चाइना जो है ट्राइंगलोर जो ना ट्रेड करता था, यानी ट्राइंगलोर ट्रेड किस किस के थ्रू होता था, चाइना से इंडिया, इंडिया से इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को चाइना की जितनी भी चीज़ इंपोर्ट इंग्लैंड में होती थी, लाइक पोर्सलिन, सिल्क, इन चीज़ों को बदले में इंग्लैंड को सिल्वर देनी पड़ती थी। तो इससे उन्होंने इंग्लैंड ने सोचा कि हम ये सिल्वर इंग्लैंड से न देकर के इंडिया के थ्रू दें। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर सिल्वर को बचाने के लिए यहाँ पर ओपियम पैदा की, और ओपियम को जो है चाइना भेजा। चाइना में इसका रजिस्ट किया गया, इसका विरोध किया गया, और चाइना और इंग्लैंड के साथ पहला ओपियम वॉर 1839 में हुआ। इसमें इंग्लैंड जो ना इंग्लैंड ने चाइना को डिफीट कर दिया, और बदले में चाइना ने कंपनसेशन के तौर पर इंग्लैंड को अपनी 5 पोर्ट ओपन करनी पड़ी, देनी पड़ी। तो इस तरह सेकंड जब ओपियम वॉर हुआ तो उसमें भी चाइना जो ना डिफीट हो गया था, और उसके बदले में फिर उसने 11 पोर्ट जो ना बंदरगाहें चाइना को इंग्लैंड को देनी पड़ी। तो इस तरह चाइना जो है वो युद्ध में जो भी खर्चा हो रहा था वो कंपनसेशन के तौर पर उसने यूरोपियन लोगों से कर्जा लिया और इंग्लैंड को दिया। तो इस तरह चाइना जो है वो यूरोपियन कंट्री के तरह से कॉलोनी बन गई। इंग्लैंड भी ये चाहता था कि चाइना जो है ना हमारी कॉलोनी बने। तो इस तरह कंपनसेशन के तौर पर जो देना पड़ा उसको इंग्लैंड के लिए चाइना ने बहुत सारा पैसा यूरोपियन कंट्री से लिया, वो पैसा वो वापस नहीं दे पाए,
तो बदले में यूरोपियन कंट्री ने चाइना के अंदर अपने अपने एम्पायर बना लिए, अपनी अपनी कॉलोनी बना ली, तो इस तरह चाइना एक खरबूजे की तरह कट करके रह गया यूरोपियन कंट्री के लिए। तो इस तरह यूरोपियन कंट्री एक लंबे टाइम से यहाँ पर रूल कर रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर हम और क्या पढ़ेंगे, चाइना के अंदर लियांग किचाओ जो है, लियांग किचाओ के बारे में पढ़ेंगे जो एक सोशल रिफॉर्मर है। लियांग किचाओ की ये इच्छा थी कि चाइना जो है ना अपने मॉरल, अपनी जो मॉरल वैल्यूज जो हैं वो अपने कंट्री की होनी चाहिए, ट्रेडिशनल होनी चाहिए। इसलिए उसने अपने कंट्री के अंदर कन्फ्यूशियनिज्म को भी उठाने की बात सोची। उसने अपने कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, अपने कंट्री की आर्मी को सुधारने के लिए बहुत सारे जो है ना प्रयास किए, उसकी बातों को जो है ना चाइना के अंदर माना भी गया। तो इस तरह लियांग किचाओ एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर चाइना के रहे हैं, जिसने किंग डायनेस्टी को जो है ना सुधारने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर की है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक। अब दूसरा ग्रुप जो चाइना के अंदर है वो क्या है, वो कौन सा है, वो हम पढ़ेंगे आज रिपब्लिक। सुन याटसेन, 1911 में सुन याटसेन ने चाइना को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, उसका प्रेसिडेंट बन गया। सुन याटसेन कौन थे, ये एक बहुत ही पुअर फैमिली से थे, ये मिशनरी स्कूल से जो है पढ़े थे, इसलिए इनका कनेक्शन अटैचमेंट जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन के साथ था। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट से जो है ना हेल्प जो है ना ली जाए। यहाँ पर सुन याटसेन जो है उसके तीन प्रिंसिपल हैं, क्या है, नेशनलिज्म, रिपब्लिक एंड सोशलिज्म। तो इस तरह यहाँ पर चांग कोई शेख ने चाइना के अंदर रिपब्लिक डिक्लेयर करके रूल यहाँ पर शुरू कर दिया है। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ तो 4 मई 1919 को एक मीटिंग हुई। मीटिंग में चाइना जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायंस पावर की तरफ से लड़ रहा था, तो चाइना को कुछ मिलने की होप थी, बट यहाँ चाइना को कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज कौन है, यहाँ पर जो सुन याटसेन या हम ये कहें रिपब्लिक पार्टी के अगेंस्ट हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ज़बरदस्त जो है हंगामा कर दिया। और वो लोग भूखों के लिए, जो पुअर हैं उनके लिए, जो वर्कर हैं उनके लिए जो है नई नई डिमांड जो है ना रिवोल्यूशनरीज के लोग करते चले जा रहे थे। तो इस तरह चाइना के अंदर एक नई पार्टी जो है, एक और अमर जो है जिसको हम CPP बोलते हैं, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को NPP वालों ने बहुत बुरी तरह से जो है ना सुपर्स किया है, मारा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि चांग यहाँ पर सुन याटसेन की डेथ के बाद रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट चांग कोई शेख बनते हैं। चांग कोई शेख ने कोमितुंग को अडॉप्ट किया। कोमितुंग एक ऐसा थर्ड इंटरनेशनल है जिसमें क्या बताया गया है कि कोमितुंग की एक आइडियोलॉजी है कि हर एक को जो है ना फूड मिलना चाहिए, क्लोथिंग मिलनी चाहिए, हर एक को हाउसिंग मिलना चाहिए, हर एक को जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनके जो है ना आइडियोलॉजी तो ये है, बट इन्होंने बहुत बुरी तरह से यहाँ पर CPP के जो रिवोल्यूशनरीज लोग हैं उनको साथ साथ में बहुत बुरी तरह से मारा भी है। बट CPP जो है ना लगातार इनको जो है ना इनके अगेंस्ट बोलती जा रही है। अब NPP जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी जो चाइना के अंदर NPP है, जिसको हमें सुन याटसेन की पार्टी मानते हैं, इस पार्टी के खिलाफ अब जो पहले इनका बेस जो है वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा था, अब वहाँ भी ख़त्म होने लग गया है। और शहरों में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी थी उनमें जो वर्कर्स थे उनको टाइम पर जो है ना बहुत लंबे टाइम तक जो है काम लिया जाता है, उनको वेज जो है बहुत कम मिलती है। यानी अपना आधार कहीं ना कहीं NPP यानी रिपब्लिक पार्टी
नेशनल पीपुल्स पार्टी कहीं ना कहीं अपना आधार जो है शहरों में भी खो रही है। इसके साथ साथ अब जो है ना यूनिवर्सिटीज कॉलेज ओपन हो गए हैं और जर्नलिज्म यहाँ पर जो है ना एक्टिव हो गए हैं। बहुत जर्नलिस्ट ने जो है ना महात्मा गांधी और तुर्की के लीडर के बारे में लिखा कि इनको हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर एनपीपी ने अपना जो है ना एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर को सफाया करने में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पर कि चांगकोई शेख कैडर में, चांगकोई शेख कौन है? चांगकोई शेख यहाँ पर सोनिया सेन का सक्सेसर है, जो उनके डेथ के बाद यहाँ पर जो है ना रिपब्लिक पार्टी के चेयरमैन बने थे। उन्होंने बहुत बुरी तरह से जो है ना किसको, सीपीपी को, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बुरी तरह जो है ना सुप्रेस करने की कोशिश की है। आप एक बात ये समझिए कि एक तरफ चाइना के अंदर 1911 में एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, दूसरी तरफ सीपीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। एनपीपी के जो फाउंडर हैं वो सुनिया सेन हैं, उन्होंने कौमी तुम को अडॉप्ट किया है। दूसरी तरफ जो है सीपीपी है जो इनके अगेंस्ट अपना जनाधार चाइना के अंदर जो है ना बना रही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है ना 1935 में कुछ ब्लैक लोग जो अमेरिका से अभी अभी यहाँ पर आए हैं, वो जो है ना पुअर लोगों के बारे में यानी चाइनीज लोगों की जो कंडीशन है वो क्या रही उनके बारे में वो बता रहे हैं कि हमें तो अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स जो है वो मिल चुके हैं, बट चाइना के अंदर उन लोगों के साथ उनकी हमदर्दी थी, सिंपैथी थी, जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, जिनकी लाइफ एक तरह से मिजरेबल थी। वो ब्लैक लोग ये कहते हैं जो शंघाई के अंदर रह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वेट ये लोग जो है ना ट्राली में खींच रहे हैं, ऐसा तो अमेरिका में इंजन या बैल का या फिर कोई पशु की खींचता है। तो इस तरह से यहाँ पर चाइनीज लोगों की 1935 के आसपास क्या हालात रही थी इनको भी जो है फॉरेन कंट्री के लोग भी बता रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आकर के एनपीपी सोनिया सेन की पार्टी यानी रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपना बेस जो है ना वो उसका ख़त्म होता जा रहा है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे चाइना के अंदर एक नई पार्टी, एक नया लीडर सामने आता है। नई पार्टी कौन सी है? सीपीपी और माओ तसे तो उसका लीडर है। तो ये सब हम कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।